नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट के बीच पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 1,27,510 नए मामले सामने आए और 2,795 मरीजों की इस महामारी से मौत हो गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद जल्द से जल्द आयोजित करने की मंशा जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर लगाए गए एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर IGST को असंवैधानिक घोषित करने के फैसले पर मंगलवार को रोक लगा दी। कांग्रेस ने मौजूदा आर्थिक हालत के लिए कोरोना को भी एक कारण बताया, लेकिन कहा कि अर्थव्यवस्था में जबरदस्त गिरावट की सबसे बड़ी वजह भारतीय जनता पार्टी सरकार का आर्थिक कुप्रबंधन है, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सरकारी ई मार्केट प्लेस के दायरे का विस्तार करने का आह्वान करते हुए कहा कि इसमें और उत्पादों तथा सेवाओं को शामिल किया जाना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक को कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद इससे संबंधित समस्याओं की वजह से मंगलवार को एम्स में भर्ती कराया गया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष ने एक समीक्षा बैठक में पालिका परिषद के स्वास्थ्य विभाग को मच्छर प्रजनन की जांच के लिए एंटी लार्वा गतिविधियों और घरेलू और वाणिज्यिक परिसरों के निरीक्षण को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार का दिन उतार चढ़ाव भरा रहा और BSE का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह करीबन 300 अंक चढ़ने के बावजूद अंत में 2.56 अंक की मामूली गिरावट के साथ 51,934.88 अंक पर बंद हुआ। विश्व भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। अब तक 17.05 करोड़ से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 35.46 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश विदेश के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।